मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना तीसरा बुर्ज, बुर्ज जौज़ा, यानी जिसे जैमनी भी कहा जाता है, और इसका जो सितारा है वो सितारा अतारत यानी मरकरी होता है। इनके लिए देखेंगे कि इनके जायचे के अंदर जो स्टार की पोजीशन है वो कैसी नज़र आती है, और जो अक्टूबर का मंथ है वो इनके लिए कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं आज हम अपना हॉरोस्कोप बुर्जे जौजा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके जायचे के अंदर राहु और केतु का बड़ा इस वक्त इम्पोर्टेंट रोल है। जेमिनी वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो राहु और केतु की जो पोजीशन है, स्पेशली इनके हेल्थ के हवाले से, इनके मैरिज के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, ये इम्पोर्टेंट नज़र आती है। यानी कि इनकी सडन अप्स एंड डाउन, इनके हेल्थ के हवाले से, इनकी मैरिज के अंदर प्रॉब्लम्स, इनके बिजनेस के मैटर्स के अंदर अप्स एंड डाउन, ये चीज़ें चल रही हैं। तो इनको अपनी हेल्थ का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अप्स एंड डाउन और सडन पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें साइकिल चल रहा है, जो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। इसी तरीके से इनकी मैरिटल लाइफ के अंदर, इनके बिजनेस के अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिएगा। हेल्थ इस महीने के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब हम देखते हैं इनके जो माली मामलात हैं। माली मामलात के अंदर अगर हम देखें तो माली मामलात के अंदर कुछ बेहतरी आना शुरू होगी अक्टूबर के महीने में, क्योंकि जुपिटर आपके सेकंड हाउस के ऊपर उसकी एस्पेक्ट पड़ रही है। और जुपिटर जो है वो आपको इस हवाले से बेनिफिशियल रहेगा और बेनिफिट देगा। पैसे के मामलात, जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, पैसे फंसे हुए हैं, उसके अंदर रिकवरी हो सकेगी, उसके अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी के हवाले से देखें तो इनके मैटर्स कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ ही क्योंकि जो वीनस है वो इनके फोर्थ हाउस में पड़ा है, तो वो इन प्रॉब्लम्स से इंशाल्लाह इनको निजात मिल सकेगी। इनके जो प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स हैं वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और प्रॉपर्टी की परचेज, सेल, कंस्ट्रक्शन, इन मैटर के अंदर भी आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनके एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से देखें, इनका फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, वो बहुत अच्छी पोजिशन में पड़ा है, तो एजुकेशन के मैटर इनके अच्छे रहेंगे। इस मंथ के अंदर एडमिशन मिल सकेगा, अगर रिजल्ट है तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप पास हो सकते हैं। और अगर हम इनकी औलाद के हवाले से बात करें तो औलाद के हवाले से भी इनके लिए ये महीना अच्छा है, स्पेशली बच्चों की हेल्थ के हवाले से अच्छा है। लेकिन ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट है उनको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्स है मरीख, ये एस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर वो मिस कैरिज के जो है वो चांसेस को बढ़ा देता है। इसलिए डिप्रेशन से महफूज रहिएगा, सदका खैरात कीजिएगा, अल्लाह ताला महफूज रखे। अब हम बात करते हैं इनके मोहब्बत के मामलात। मोहब्बत के मामलात के अंदर अगर हम देखें, बहुत ज़्यादा पोजेसिव, इमोशनल नज़र आते हैं, जिसकी वजह से इनके ब्रेकअप के ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं, और इनके महबूब के साथ जो है ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। इस हवाले से इस मंथ के अंदर आप मोहतात रहिएगा। अब हम बात करते हैं इनके मैरिज की। मैरिज के हवाले से अगर हम देखें तो ये महीना इनके लिए कोई अच्छा नज़र नहीं आता, क्योंकि सेवंथ हाउस एफ्लेक्टेड है, कमज़ोर है, और उसके अंदर मज़ीद उसका लॉर्ड भी कमज़ोर पड़ा है, तो इस मंथ के अंदर शादी करना ये बेहतर नज़र नहीं आता। इसी तरीके से अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी आपको मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि यहाँ स्टार की पोजीशन ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बिजनेस के अंदर लॉस हो सकता है, बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इस वजह से आप मोहतात रहिएगा। अब हम बात करते हैं फॉरेन में ट्रैवल। ऐसे अफराद जो फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, वीज़ा नहीं मिल रहा या रहते हैं वहाँ पर इमिग्रेशन के मसाइल है, तो ये मंथ उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके नाउथ हाउस की जो उसके अंदर प्रॉब्लम थी वो दूर हो चुकी है, और इस मंथ के अंदर आप वीज़े के लिए अप्लाई करें, इमिग्रेशन का केस परसू कर सकते हैं, आपको फेवर मिल सकेगी। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं। जॉब करने वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो ये महीना अच्छा रहेगा, और ये इस महीने के अंदर प्रमोशन, अपग्रेडेशन और आपको न्यू जॉब मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।